सद्गुरु का माइलस्टोन। जीवन एक दीर्घ यात्रा है। जन्म जन्मांतर के इस लंबे सफर में अनेक बार आत्मा जंगल से अकेली गुजरती है, तो कभी जमघट के साथ पहाड़ी रास्ते भी तय करती है। मंजिल से बेखबर अफरा तफरी की रेल पेल में भाग दौड़ करती हुई जिंदगी किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंचती। यूं भी जिंदगी के अस्त व्यस्त मोड़ पर प्रत्येक राहगीर को रहनुमा की जरूरत महसूस होती है। इसलिए जीवन की सुदीर्घ यात्रा में सद्गुरु रूपी माइलस्टोन का होना सौभाग्य की बात है। मानव जीवन में सद्गुरु का माइलस्टोन तीन ढंग से कार्य करता है। मार्ग दर्शक के रूप में, मार्ग व्यवस्थापक बनकर एवं मार्ग का अगुआ बनकर। जिस प्रकार रात्रि के अंधेरे में मार्ग साफ नहीं दिखता, परंतु सवेरा होते ही सूर्य की रोशनी मार्ग प्रकाशक बनकर सभी सड़कों पर उजाला कर देती है। यद्यपि अब मार्ग स्पष्ट नजर आ रहा है, फिर भी मार्गदर्शक के अभाव में यह मालूम नहीं पड़ता कि कौन सी सड़क कहां ले जाएगी। इसके लिए प्रायः हर सड़क पर माइलस्टोन लगा रहता है, जिसे देखकर पथिकों को मार्ग की व्यवस्था ज्ञात हो जाती है। फिर भी हर कोई राही सहसा उस पर चलने के लिए समर्थ नहीं होता। साहस के अभाव में उसे आशंका बनी रहती है कि सड़क पर कहीं चोर डाकू आदि के उपद्रव का सामना न करना पड़े। ऐसी स्थिति में उसे एक ऐसे पथ प्रदर्शक की जरूरत है जो मुखिया बनकर साहसपूर्वक आगे चले, मार्ग का निर्देशन करे और पथ की व्यवस्था का संचालन भी करे। यह गौरतलब है, जिंदगी के सफर में मार्ग एवं मंजिल के बीच सद्गुरु रूपी माइलस्टोन का सेतु उतना ही अनिवार्य है जितना दर्द और दवाई के बीच डॉक्टर जरूरी है। यूं तो दवाई की दुकान में प्रत्येक रोग का निवारण करने वाली औषधियां होती है। हृदय का दर्द हो, पेट की पीड़ा हो, कान का बहरापन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, केमिस्ट के पास सभी औषधियां उपलब्ध है। परंतु मरीज अपनी इच्छानुसार औषधि नहीं ले सकता। अगर कोई मरीज डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना अपनी मर्जी से दवाई लेता है, तो संभव है उसके प्राण खतरे में पड़ जाए। ख्याल रहे, औषधि लेने से इनकार नहीं, परंतु डॉक्टर के मार्गदर्शन के बिना दवाई लेने में खतरा है। इसी प्रकार जीवन की डगर पर दुख और दोषों के अनगिनत कांटे बिखरे पड़े हैं। कहीं आजीविका का दुख है, तो कहीं शरीर के रोगग्रस्त होने का दुख है। कोई क्रोध से परेशान है, तो कोई सुखशीलता का गुलाम है। कोई धन के अभाव में दुखी है, तो कोई तृष्णा से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में क्लेश और वेदना भरी जिंदगी की कंटीली राह सद्गुरु के मार्गदर्शन बिना सुगम नहीं बन सकती। इस दुनिया में सद्गुरु ही दुख और दोषों से मुक्ति का उपाय बताकर परमात्मा की मंजिल का बोध कराने में सामर्थ्यवान है। परमात्मा को यदि पावर हाउस की उपमा दी जाए, तो सद्गुरु बिजली के खंभे की तरह है। इसलिए कनेक्शन जोड़ोगे तो जीवन में ऐसा प्रकाश फैलेगा जिससे पाप ताप संताप का अंधकार नष्ट हो जाएगा। यह सभी जानते हैं। लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं क्योंकि गंगा पाप की शुद्धि का प्रतीक है। कहना होगा, यह प्रतिमान बड़ा मूल्यवान है। वस्तुतः प्राचीन समय में लोग गंगा के तट पर स्नान करने नहीं जाते थे, बल्कि इसलिए जाते थे क्योंकि गंगा के किनारे संतों का वास था। जहां संत हो, वहां वसंत सदा खिला रहता है। समय के प्रवाह में चाहे आज गंगा तट पर संत नहीं रहे, परंतु संतों के सानिध्य एवं साधना से गंगा तीर्थ बन गई। जो स्वयं को जानते हैं, सत्य का अनुभव करते हैं,
एवं जिनके हृदय में ज्ञान की ज्योति आलोकित हो उठी हो, वे सद्गुरु हैं। ऐसे जलते दीप से अनेक दीप रोशन होते हैं। एक जलते दीपक से लाखों दीपक जला लो तो भी उस प्रज्वलित दीपक की रोशनी कभी कम नहीं होती, क्योंकि दीपक अपना कुछ खोता नहीं, मात्र रोशनी देता है। सद्गुरु ऐसे ही ज्योतिर्मय दीप है। दीप का काम दियों की बाती को जगाना है। ज्योतिर्मय दीप बुझे दीप को तब तक ही संसर्ग देता है जब तक उसकी बाती लौ ना पकड़े, क्योंकि दीप जलाना ही मुख्य मुद्दा है। सद्गुरु का काम मात्र अंगुली से इतना इशारा करना होता है कि चांद आकाश में है, इसलिए पानी में झलकने वाली परछाई को असली चांद मत समझ लेना। अगर कोई चांद को न देखकर गुरु की अंगुली ही पकड़कर बैठ जाए तो कभी चांद नहीं देख सकता। चांद देखने के लिए नजर को ऊपर उठाना होगा, नेत्रों को खोलना होगा। आज अधिकांश लोग गुरु की अंगुली पकड़कर ऐसे बैठ गए हैं मानो सीढ़ी को ही मंजिल मानकर संतुष्ट हो गए हों। ख्याल रहे, सद्गुरु की ज्ञान रोशनी में सिर्फ पथ प्रकाशित होता है, किंतु यह रोशनी जीवन को रूपांतरित नहीं कर सकती। असल बात यह है, सद्गुरु कुछ करते नहीं, किंतु उनकी मौजूदगी में व्यक्ति स्वयं बदल जाता है। महाभारत का एक प्रेरणास्पद प्रसंग है। बात उस वक्त की है जब पांडवों द्वारा द्रौपदी के स्वयंवर में जाने की सारी तैयारियां चल रही थी। स्वयंवर में जाने से पूर्व अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, आपने मुझे वचन दिया था जब मुझे जरूरत होगी आप पूर्णतया सहयोग देंगे। आज मैं द्रौपदी स्वयंवर में जा रहा हूँ तो राधा वेद की साधना में आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, राधा वेद साधने के लिए तराजू में तुझे खड़ा होना पड़ेगा, हाथ में धनुष बाण भी तुझे ही उठाना पड़ेगा। ऊपर पुतली घूमती होगी तथा तेरी दृष्टि नीचे पानी पर केंद्रित होगी। ऐसी स्थिति में तुझे ही चिड़िया की बाई आंख बिंधनी पड़ेगी। अर्जुन ने फौरन कहा, भगवान, अगर यह सब कुछ मुझे ही करना है तो आप मेरी क्या मदद करोगे? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जिस समय तुम्हारी निगाहें पानी पर केंद्रित होगी और तुम चिड़िया की बाई आंख का निशाना लगाओगे, उस क्षण नीचे का पानी बिल्कुल ना हिले, इसका ध्यान मैं रखूंगा। अर्जुन को यह रहस्य समझ आ गया कि अगर नीचे का पानी हिल गया तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। सार यह है, प्रत्येक मनुष्य को अपनी जीवन नौका खुद ही चलानी होती है, किंतु सद्गुरु रूपी अनुकूल हवा चले तो नौका शीघ्र किनारे लग जाती है। इसलिए संत कबीर कहते हैं, तीर्थ करने से एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीरा सार। संसार में दीपक बहुत है, किंतु जलता दीपक कोई एक होता है। इसी भांति दुनिया में गुरु बहुत है, परंतु सद्गुरु कोई एकाद होता है। कुछ गुरु कागज की नौका के समान होते हैं जो स्वयं तिर सकते हैं, किंतु दूसरों को तारने की क्षमता उनमें नहीं होती। कुछ गुरु पत्थर की नौका के समान है जो स्वयं डूबते हैं तथा औरों को भी डुबाते हैं। संसार में ऐसे कुगुरुओं की कमी नहीं है, इसलिए कुगुरु के झाल एवं चाल से स्वयं को बचाए रखना। कहा भी है, आधुनिक माहौल में शिष्य की जेब साफ करने वाले गुरु बहुत मिल जाएंगे, किंतु मन को साफ करने वाले सद्गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मात्र कुछ गुरु काष्ठ की नौका के समान है जो स्वयं भी पार होते हैं तथा औरों को भी पार लगाते हैं, वे सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु आपके अंतर चक्षुओं को सहलाकर
उसे खोलने की प्रेरणा देते हैं। वे हमारे अंदर एवं बाहर में तालमेल बिठाते हैं। जैसे वीणा के तारों में सुर पहले से ही मौजूद है और अंगुलियां भी सधी हुई है, सदगुरु तो मात्र यह बता देते हैं कि वीणा के तार पर कहां अंगुली रखने से षड्ज स्वर निकलेगा, कहां अंगुली रखने से ऋषभ स्वर निकलेगा। वे निष्प्रह होकर ज्ञान देते हैं, निष्काम होकर जनता के साथ वार्तालाप करते हैं, जिनके अंतर मन में न प्रतिष्ठा पाने की ललक होती है और न दुनियावी नुमाइश की कशिश होती है। ऐसे सदगुरु सर्च लाइट की भांति है। जीवन का पथ जब कष्टों की घन घोर अमावस्या से गुजर रहा हो, मंजिल का बोध और पथ का रुख बिसर गया हो, शरीर थक कर चूर चूर हो गया हो, मन दो कदम आगे बढ़कर 10 कदम पीछे खिसक रहा हो, मन का प्रवाह कभी चट्टान से टकरा जाता हो तो कभी खाई में गिर जाता हो, ऐसी विकट और बियाबान स्थिति में सद्गुरु की सर्च लाइट मिल जाए तो जीवन की राह सदैव जगमगाती रहेगी। सद्गुरु की सर्च लाइट से ज्ञान धारा प्रवाहित होती है, जीवन की यथार्थता का बोध होता है एवं दुर्गुणों से मुक्ति मिलती है।